जम्मू कश्मीर विच पुंछ जिले के बालाकोट सैक्टर विच रात भर गोलीबारी करने तो बाद पाकिस्तानी फौज ने मंगलवार सवेरे पुंछते ही शाहपुर सैक्टर विच भी जम के गोलीबारी की। पाकिस्तानी फौज ने भारतीय चौकियों के नाल नाल रिहायशी खेतरां नूं भी निशाना बनाया। भारत वालों भी जवानों ने इसका जवाब देंदे हुए कार्रवाई की। जानकारी मुताबक मंगलवार सवेरे पाकिस्तानी फौज ने शाहपुर सैक्टर दियां भारतीय चौकियों के सरहदी खेतरां विच गोलीबारी के नाल मोर्टार ते राकेट दागने शुरू कर दिए। इस लोगों में दहशत फैल गई। सूत्रों मुताबक पाकिस्तान गोलीबारी के चांसे में घुसपैठ करवाना चाहता सी, जिसनू भारतीय फौज ने नाकाम कर दिता। पिछले कुछ दिनों तो शांत बैठे पाकिस्तानी रेंजरों ने दो दिन तो सरहद से फिर तो गोलीबारी तेज कर दी है। इस सरहद से फिर तनाव का माहौल पैदा हो गया है। फौज के सीनियर अधिकारी पूरी स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। उसमें स्कूल बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, तो हालात बहुत खराब है। और इतने सब डरे ने सोचे कि जंग हो रही है या हालात खराब हो रहे हैं, और ज़्यादातर पाकिस्तानी फायरिंग कर रहे थी। फायर जब छोटा फायर बहुत तादाद में चलने लगा तो उस वक्त हमने बच्चों को कोशिश की कि हम छोड़ दें, क्योंकि बच्चे सभी जो है वो आगे बॉर्डर के कीरनी विलेज के हैं सिर्फ, तो वहाँ पर फायरिंग बहुत चल रही है। तो हमने फिर बैठ के अगर बच्चों को छोड़ेंगे तो फायरिंग में बच्चों को ना नुकसान कोई पहुँचे। तब तक इंतजार करने के बाद कुछ लोगों से हमने पूछा कि हम कैसा करें, क्या करें। फिर हमने अपने सीओ साहब जो उनको फ़ोन पर रब्ता किया कि हमारे फायर चल रहा है तो हम क्या करें। उन्होंने कहा कि आप बच्चों को छोड़ दें। तो जब मोटा फायर चलने लगा, ज़्यादा बड़ा फायर जब शुरू हो गया, तो तब हमने बच्चों को छोड़ दिया। इसी दरमियान हमारे स्कूल के आगे भी एक गोली जो पर पहले फायरिंग उसमें भी आई थी और आज भी, क्योंकि नीचे पिकट है उस पर वो फायर करते हैं, तो वो सीधा हमारे स्कूल के आगे आकर लग गया। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे वी ते कितों वी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।